सर्दियों के आगाज के साथ ही हैदराबाद में लुंडा बाजार की रौनक बहाल हो गई है। महंगाई के सताए शहरी सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े खरीदने में मसरूफ हैं। नासिर शेख रिपोर्ट के साथ। शहरों की तरह हैदराबाद में भी सर्दियों के आगाज के साथ ही जगह जगह लंडे के ठेले और स्टॉल सज गए हैं, जहां से गरीब और मुतवासित तबके के अफराद सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े खरीदने में मसरूफ हैं। ठेलों और स्टॉलों पर शहरी मुख्तलिफ डिजाइन के मनपसंद स्वेटर, कोट, ट्राउजर, जुर्राब, लिहाफ और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए कई कई घंटे तक लंडा बाजार में दुकानों और ठेलों पर घूमते हैं, जिसके बाद वो अपने मनपसंद कपड़े खरीदने में कामयाब हो जाते हैं। इधर लंडा बाजार में खरीदारी के लिए आने वालों का शिकवा है कि अब गर्म कपड़ों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। गरीब आदमी के लिए यही है कि ये अच्छा एक पैकेज है, जो हो जाए सस्ता तो वो बेहतर है, लेकिन ये तो और आसमान पे बातें कर दी हैं। जबकि गर्म कपड़े फरोख करने वालों का कहना है, तो 10,000-12,000 रुपए का गाठ आता था, अभी 50-60,000 रुपए का गाठ है, तो लाजिमी बात है ये इन लोग आवाम लोगों के ऊपर जो है ना इसका असर पड़ेगा। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई में लंडा बाजार से गर्म कपड़ों की खरीदारी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़ हैदराबाद।